गुरदासपुर में मकेरियां बाईपास पर रिफाइंड तेल का टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। टैंकर में तकरीबन 25 टन रिफाइंड ऑयल था। टैंकर के पलटते ही आसपास के घरों के लोगों में रिफाइंड तेल लूटने की होड़ मच गई। बारिश में ही लोगों ने तेल लूटना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों को रोकने की काफी कोशिश की गई, लेकिन लोग हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लोगों ने क्या किया कि जबरदस्त लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने पता लगा भी रिफाइंड का तेल है और बिल्कुल धकाधक जबरदस्त लोग आ गए और बाल्टियां भर के लेके जा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी तो पहले कंट्रोल किया था, अब आए हैं उनको भी पता लगा धीरे धीरे, तो वो पुलिस वाली गाड़ी आई है और उन्होंने भी आगे कंट्रोल किया है। काफी मान रहे हैं पर ये पब्लिक है, ये मान नहीं रही इनकी बात। पुलिस वाले पहले भी आए थे, बड़े जो पुलिस वाले थे वो भी आके कह के गए थे भाई इस गाड़ी को थोड़ा सा देखभाल रखना, और पुलिस वाले भी इनका बहुत ध्यान कर रहे हैं, पर ये जो है ना पब्लिक है ये मान नहीं रही है, दबा दब धक्का तक तेल को लूट। टैंकर आया जी, ये इधरों रास्ता नालों आया जी, ये अपने जम्मू जाना है जी, इतने पलट गया जी, ज़्यादा तेल होने करके गड्डी मोड़ तो पलट गई आ, तो लोग बहुत ज़्यादा तेल नू लैके जा रहे हैं, तो जी बचाव उस मौके पर पुजे दें तो तेल बचाव हो जाए। लोग कच्चा तेल ले जाते हैं तो बथेरा लोगों ने रोकी जाते नहीं, लोगों ने जी वर्खा हो रही है, वर्खा करके लोग दाल आई जाते आप अपना जी। पलटन का कारण यह हो भी मोड़ ही जी, मोड़ तो पलट कंट्रोल नहीं होया, रिफाइंड तेल आ जी। टैंकर के ड्राइवर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि ये टैंकर राजस्थान से चलकर जम्मू के शहर बड़ी ब्राह्मणी में पहुंचना था। राजस्थान से भिवाड़ी से चली थी गाड़ी और जम्मू जानी थी, 25 टन माल था इसमें भरा था, और ये गुरदासपुर मोड़ पे मकेरिया से हम चले हुए थे, गुरदासपुर मोड़ पे गाड़ी पलट गई और इसमें कितना नुकसान हुआ है, तेल तो सारा बह गया, अब कितना है कितना नहीं है हमें नहीं पता। जानी जम्बू जी बड़ी ब्राह्मणी 25 टन, हाँ चोट लगी है ड्राइवर को, पैर में चोट लगी है ड्राइवर को, तेल लोग उठा के ले जा रहे हैं, टैंक से बह रहा है तेल, हाँ लोग ले जा रहे हैं, कुछ भी होगा भी कुछ और जो भी है बहा है लेके जा रहे हैं लोग, हाँ पुलिस मौके पहुंची है। गुरदासपुर से जागृति लहर के लिए राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।